disco astaghfar is to home so I can have my coffee I have just recorded it it is almost guys ye mai school mein chalai tum bujho puchcharo बहुत ज्यादा शोर मच जाते हैं इनकी वजह से मेरे बच्चों से विश्वास उठता जा रहा है दुआ है कि डॉक्टर के पास कोई ना पवे कोई नहीं इतनी बजी है मकावा इतनी परेशान की शक्ल है अस्सलाम वालेकुम एवरीवन खुश आमदीद द ब्लॉग उम्मीद करता हूं आप सब फाइन होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल फाइन हैं थोड़ी सी थकावट के शिकार है रात को थोड़ा सा हमने काम वगैरह किया है कुछ इस वजह से लेट सोए हैं और सुबह जल्दी उठना पड़ा है बहुत सारे रीजंस हैं इसकी वजह से तो आज के हमारे प्लान्स में क्या है कि आज हम स्कूलर्स को निकाल देंगे और ये तो जगह को क्लीन कर देंगे इंशाल्लाह प्लान तो हमारा ही है लेकिन बाकी जो कुछ हुआ आप देखेंगे सारा दिन तो अब देखते हैं कि प्लान हमारा कामयाब होता है कि नहीं शाम का टाइम का हमारा प्लान है कि शाम के टाइम ऐसा करेंगे बाहर से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है बच्चों की लेट्स गो एंड सी व्हाट आर दे डूइंग अब जाके देखते हैं कि ये बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं इतना शोर किस चीज का है ऐसे ये बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं इनकी वजह से मेरे बच्चों से विश्वास उठता जा रहा है लेकिन क्या करें ये फिर मजा भी आता है इनको देखेंगे बहुत ज्यादा तमाशे भी लगाते हैं मुझे लगता है ये कोई फाइट्स वगैरह कर रहे हैं तो लेट्स सी ये क्या कर रहे हैं इन्होंने ये देखे कहीं से इनको कैसेट्स मिली है पुरानी उन्होंने वो तोड़ के उनकी रीलें निकाल के और सारे घरों में भी फेंके और सारी सड़क पे भी फेंके और जो बड़ा गुजर रहा है वो मेरी तरफ देख रहा है कि इनका काम है और ले आके स्टॉप अच्छा अच्छा रख ना थल्ले मजरा बूंद से सना तोबा मेरे इनको समझाना तो ऊंट को रक्षे में बिठाना एक ही बात है अब ये कैसेट्स हैं जो मस्जिद के अंदर एक मस्जिद के बाहर एक डब्बा पड़ा होता है जिसके अंदर लोग वो लिखा होता है कुरान के अगर आपको कोई औराक मिले या कोई ऐसी चीज पाक चीज मिले तो डब्बे के अंदर रख जाए तो किसी ने पूरी ज्यादा इतनी ज्यादा कैसेट्स ना जिसके ऊपर कुरान ने तर्जमा और नातों वाली कैसेट थी अब कैसेट कहाँ यूज होती है तो उसने उस डब्बे के अंदर रखने चले भाई महफूज हो जाएगी जाकर उठा लें और अब ये निकाल के रीले सारे गले में फेंक रहे हैं उनको मैंने बताया कि ये कैसेट है इसके ऊपर कुरान का तर्जमा है इसको ऐसे ना फेंके फिर अब उसके ऊपर मैंने ऊपर से पढ़ाया अब उठा के इस्तेमाल कर रहे हैं डस्टबिन में कर सकते हैं तो नहीं ना कर सकते असि तो समझा ही सकते हैं ना उच्चा रहो पेट 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 वाह वाह बहुत ज्यादा हम इंजॉय कर रहे हैं बच्चों को भुका के टंग करने का बहुत ज्यादा मजा आता है मुझे खासकर जो रो रहा हो उसको और रुलाने का इट इज माई हॉबी नाउ उसके बाद हमारी शुरू होने लगी नींबू फाइट मैं सिर्फ इनको गाइड करूंगा कैसे करके मारे मारेंगे एक दूसरे को तो ब्लॉग है नॉर्मल देखो हेलो गाइस वेलकम टू मदर ब्लॉग और आज के ब्लॉग में हम क्या करने वाले हैं क्या मैं तुम्हारे पर्दे ठीक करने जा रहा हूं हां ठीक हो तो या नहीं हो सही नहीं होता टेलर में लेने तार जा रहा हूं हां मेरे बूजो भी आए हुए कजन बोलो ये मेरी बूजो कजन आए हुए छोटी गाइस ये मैं स्कूल में पढ़ता था बुजो ओ कह रही मैं छोटा डॉन हूँ छोटा डॉन इतने अच्छे बाल अपना कटवाने देखो आगे बजमा के आ गई हो अब बैंक्स कौन बनवाते हैं इतना जमाना जदीद आ गया है अपना कटवाना ओके अब मेरे से कटवा लेना तो ठीक है गंज बिलाल की थी ना बिलाल की थी तुम्हारी भी काट दूंगा ठीक है चलो जाओ पर्दा उठा के लाओ फिर मैं जाऊँ गो 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 गिर जाएगा पहले एक ले जाऊंगा ना फिर दूसरे लेके जाऊंगा मैंने उतार दिया जाओ एक शॉपर लेकर उसके अंदर डालें भाग के जाओ बड़े वाले इसके अंदर जिसके अंदर पर्दा आ जाए बोलो इतना शॉपर देने जिसके अंदर पर्दा आ जाए पहले एक लेके जाऊंगा ना वो फिर ठीक होगा तो फिर दूसरा ओके पकड़ा दो मैंने दरवाजे के साथ रखा है ना पकड़ा दो दरवाजा तो खोलो शॉपर मुझे पकड़ा दो थैंक यू नहीं नहीं इसका लटकाना है मैंने तो मैं लटका दो और अंदर जाओ पहले बढ़ जा भज के दरवाजा बंद करना पहले गो इनसाइड सो फाइनली हमें मिल चुके थे मास्टर साहब तो मैंने मास्टर साहब को कॉल की थी उन्होंने कहा था आ जाए आज मास्टर साहब कह रहे हैं शाम तक मैं कर दूंगा तो पाँच तो हो गए तो शाम क्यों होने पत्नी से शाम का आया कि कल का आया आई डोंट नो बस जब भी देगा फोन कर देगा तो मैं लगा लूंगा लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो आई वॉज फीलिंग अ लिटिल लो सो आई डिसाइडेड टू मेक अ कॉफी फॉर माई सेल्फ बिकॉज कॉफी कंटेन्स कैफीन विच इज यूज टू प्रोड्यूस एक्टिविटी इन योर ब्रेन और आपको एक्टिव करने के और आपके नर्वस सिस्टम में जरा हलचल मचाती है जिस वजह से आप जरा एक्टिव फील करते हैं और अच्छा फील करते हैं इसलिए जब आप थोड़ा सा लो फील करें तो आप कॉफी बना के पी लें क्योंकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा इस वजह से आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले
प्लीज पुट सम मिल्क ऑन द स्टोव सो आई कैन हैव माय कॉफी आई हैव जस्ट रगड़ेड इट इट इज ऑलमोस्ट डन ओके माशाल्लाह जी माशाल्लाह खूबसूरती ऐसी कि फेयर एंड लवली जैसी साथ ही चिपक जाओगे दांत टूट जाएंगे वाह डिस्को स्टेशन डिस्को अस्तगफार ऐसी आकत यामत दिए लाए हुए फ्रेंड्स आपको याद होगा कि कल मैं एक जगह पे अपॉइंटमेंट लेने गया था तो मुझे नहीं मिली थी तो फिर मैंने कॉल पे अपॉइंटमेंट ले ली थी अब मैं उसके लिए जा रहा हूँ मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैं अपनी मामू की गाड़ी लेंट करके जा रहा हूँ फॉर सम आवर्स अभी पहले अपने घर जाऊंगा नमाज मगरिबैन अदा करूंगा और उसके बाद जाऊंगा सो गाइस मैं नमाज पढ़ ली है दुआ मांग ली है तो अभी मैं जा रहा हूँ तुम मेरे साथ जाओगे तुम बाहर अपने घर वो देखो ये लड़का मैं क्यों देख रहा हूँ 3 hours later आज 3 घंटे की कंटिन्यूस हसल के बाद हम घर पहुँचने वाले हैं अब दुआ है कि डॉक्टर के पास कोई ना पवे तो फाइनली मैं गाड़ी वापस करने आ चुका हूँ जल्दी बस अपने इतना समूह था उसका बिल्कुल ब्रेक सा जैसे तोते का नहीं होता छोटा सा वैसे तोते जैसी थी आज का ब्लॉग उम्मीद करता हूं आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा अल्लाह हाफिज़